दोस्तों जय माता दी। तो दोस्तों जिस तरह की आप लोगों ने थंबनेल में सब कुछ देख ही चुका है कि हम लोग आज किस बारे में बात करेंगे, तो हम लोग ये सब बातें करने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे परम सम्मानीय गुरुजी श्री श्री 108 देव पवार जी, धनेंद्र शरणागत जी वो चाह रहे हैं कि भाई ये सब कंट्रोवर्सी चलना चाहिए, लेकिन हमारे पास बार बार इतना समय नहीं है, लास्ट कंट्रोवर्सी है। और आपको देव भैया कंट्रोवर्सी खेलना है तो आप दूसरे चैनल पे आइए, उसमें है, खेलते है, एक और चैनल है अपना बरघाटी छुरे ब्लॉग, उसमें कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, इसमें आपको शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देव भैया की क्लिप दिखाते हैं और फिर जवाब भी देते हैं। तो चलो चल के देखते हैं क्लिप। अगर मैं गलत होता तो पिकिया मेरे पास काम करता था क्या आज? नहीं तो बोलना था फिर। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। मेरा व्यवहार अकड़ीला वाला है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों पिंट है भैया? आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो। तो भैया आपने ये क्लिप दिखा है तो इसमें मैंने बोला हूँ कि यार भैया सब कुछ मतलब गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है भैया। तो आपको बता दूँ कि इसके पहले आपने एक ब्लॉग में बोला है कि मैं गुरु हूँ और आप शिष्य, तो भैया हम तो शिष्य हैं यार और थे रहेंगे, ठीक है ना? तो आप मेरे को बताइए, एक शिक्षक के पास कोई बच्चा अगर जाए ट्यूशन बोले या फिर पढ़ने बोले, अगर शिक्षक बोले कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है तो बी फॉर बनवारी थोड़ी ना बोलेगा भैया, ए फॉर एप्पल ही बोलेगा। सीधी सी बात है, आपने हमको बोले तो बोले यार। मेरे ख्याल से कि वीडियो मैंने बनाया था, मैंने उसमें चिंतन किया था। अब वो चिंतन भैया अगर ये आप पहले ही कर लेते तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। कि जो इल्जामात मुझ पर लगाए गए हैं यार, ये इल्जाम नहीं भैया, ये जवाब है आपके उस व्लॉग का और कड़वी सच्चाई भी। आपके अंदर यही कला तो है जो कूट कूट कर भरी है भैया, आप बातों में ऐसा लपेटते हो कि यार अब क्या बोलूं। चलो आगे देखो। तो अभी पिंटिया ने बहुत कुछ बोला है मेरे पास में, मैं वीडियो मेरे सामने यहाँ पर है कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने ये किया, नाश्ता बंटी भाई लेकर आते थे और वगैरह वगैरह। अब बात आती भैया नाश्ते वाली, आपने बोले थे कि यार नाश्ता है ना, आपने दिखाया दो दो प्लेट तीन तीन प्लेट, हाओ यार खाते थे भैया और आज भी खाते हैं और अपने बाप का ही खाते हैं। सुनिए, आपने तो वो उसका खिलाए थे बोले कि दस पंद्रह, वो तो बात का मैटर बाद में बताऊंगा आपको। हाँ भैया, तो बंटी भैया का मसला ऐसा है कि बंटी भैया जब सूट में आए थे और सूट लगा था तो पहली बार जब नाश्ता आया था तो वो लेके आए थे बंटी भैया। आपको बता दूँ इसके पहले हम लोगों ने मुर्रे खा के सूट करे थे, मुर्रे, वो भी दिन दिन भर भूखे रह गए, समझ रहे हो भैया? हाँ समझ रहे हो ना भैया। पैसा किधर है दिखाओ, चलो दिखाओ। आगे बढ़ते हैं, बार बार वही बोल रहा हूँ, पैसा किधर है, पैसा किधर है, उसकी तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो आप, पैसा किधर है। हाँ बेटा बाप से अलग होता है तो क्या काम करता है कि जब एक में होता है तो बाप की बहुत तारीफ करता है। मैं बाप और बेटे की बात कर रहा हूँ, सोचो कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ भैया, आपने इस क्लिप में बोले बाप बेटे वाली कहानी बताई, अच्छी लगी। तो भैया चलो मान लिए कि एक बेटा अपने बाप के लिए बुरा सोच सकता है, पर एक बाप अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा भैया। पिंटिया और पिकिया, ये दोनों बंदों ने मुझे इतना साथ दिया, सच बोल रहा हूँ, अगर ये लोग ना होते ना तो देव पवार वाकई में आज ना होता। थैंक यू भैया, आपने ऐसा बोले हमको बहुत अच्छा लगा, क्यों पिंटिया, अच्छा लगा ना? अरे बहुत अच्छा लगा। और भैया आपने ये नहीं बताया कि आपने हमारे लिए किया क्या है। और बात करूँ मैं किया क्या है, तो अभी मतलब मई में मेरे यहाँ शादी थी तो भैया ने 10-15 हज़ार से हेल्प किए थे और वो भी मेरे पापा जी के कहने पे किए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे घर शादी हुई तो 10-15 हज़ार रुपये भैया ने हेल्प किए। और वो 10-15 हज़ार दोस्तों ये 2.5 सालों में क्या होता है? भैया तो 1.5 साल बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ 2.5 साल हो गए दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, 2.5 साल में 15 हज़ार रुपये देना आप सोच सकते हो। और यार 5 हज़ार रुपये मेरा महीने का खर्चा देव भाई, आप क्या बताओगे, समझ रहे हो? पता है ना आपके साथ ही रहा हूं मैं। जब अलग हुए तो अलग होने के बाद में क्या काम कर रहे हैं, जहर उगलना चालू कर दिए हम लोगों ने। रही बात जहर उगलने की भैया, तो अगर आप सच्चे होते तो हम आपसे अलग ही क्यों होते? अब आप बोलोगे कि यार उस समय अलग क्यों नहीं हुए जब गोविंद लोग अलग हुए थे, तो भैया आपने हमको सिक्के का दूसरा पहलू तो दिखाए ही नहीं थे। बताओ ना कि पेमेंट कितनी आ रही थी, वो कितना चाह रहे थे, आपको तो पूरे अंदर करना था। हाँ। पब्लिक को ये बातें बताओ ना। और आपने पिछले व्लॉग में जो बोले हो तो भैया वो हमारी बातों को पकड़ के बोले, हमने जानबूझ के करे थे ऐसा ताकि आप मेन पॉइंट को भूल जाओ। हमने तो उसमें ये भी बोले थे यार कि एडसेंस अकाउंट किधर है दिखाओ यार। भैया पेमेंट शो करो ना, आप सच्चे हो तो पेमेंट शो करके दिखाओ, पब्लिक को पता चले कि कितने अंदर हुए हैं, ठीक है? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भाई साहब की कहानी बहुत लंबी है। ठीक, देव पवार इनके लिए पहले कितनी अहमियत रखता था
और अब कितनी रखता है। अब बात करता हूँ भैया आपकी अहमियत की कि पिंटिया पहले क्या बोल रहा था अब क्या बोल रहा है। तो भैया वो क्लिप किधर गई जिसमें आपने बोले थे कि पिंटिया का एक घर होगा, पिकिया का एक घर होगा, खुद की कार होगी। भैया सपने तो बेजा बड़े बड़े दिखाए थे आपने हमको, जिसको पिंटिया और पिकिया को लाने वाला टेसू था। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और रही बात अब हमारे आगे पिंटिया भाई से, सुनो मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। यार भैया आपने प्लेटफॉर्म दिया, हमको भी दिया, आपके आभारी रहेंगे हम। और आपने एक बात ये भी बोली है कि टेसू आज नंबर वन ढोलक प्लेयर है और ऐसे कई चेले निकाल दिया। एक मत टेसू बोलना नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। ऐसे कई चेले निकाल दिया पर इस बंदे ने इस बात का कभी गुरूर नहीं किया। हाँ। इतने चेले मेरे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फलाना ठिकाना ये उदन पन। और यार वो गुरु गुरु ही नहीं, जिसको गुरु होने का गुरूर हो, समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको। और अगर देव पवार बुरा था पिंटिया पिकिया तो मेरे साथ 1.5 साल क्यों रह रहे तुम लोग। भैया जी आपने अभी बोला कि 1.5 साल लगभग रहे हैं, मैं आपको बता दूं 1.5 साल नहीं 2.5 साल। ठीक से याद नहीं होगा आपको, अपना पहला वीडियो आया था बेवड़ों की पंचायत 16 मई 2020 को, तो इस हिसाब से होते हैं 2.5 साल। और यार क्यों रहे 1.5 साल 2.5 साल इसका मैटर नहीं है भैया, आपने सपने तो ऐसे दिखाए थे ना, क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, बताइए आप। हाँ तेरा कैसा क्या भाई, फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा प्रोग्राम। हाँ तेरा प्रोग्राम, चल तू ठीक है निकल, मैं देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों मैं भी जाता हूँ अब क्योंकि मुझे निकलना है। और देव भैया आपसे फिर से एक और बार निवेदन कि अगर ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसके बाद अगर आपको जो वीडियो आएगा तो फिर मैं एक और बार आऊंगा। ठीक है मिलते हैं, जब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद जय माता दी। वीडियो तो 15 मिनट बन जाता है, 15 मिनट आए सटासट बोले वीडियो खेल खत्म, उसके बाद पिंटिया भैया अपनी दुकान चले जाते थे। तो भैया अब बात आती है कि पिंटिया को आप बोले हो कि पिंटिया 15 मिनट का वीडियो शूट करके अपनी दुकान चला जाता था और देव पवार पोस्टर बनाता था, एडिटिंग करता था और बहुत सारे काम करता था। तो भैया हम क्या दिन दिन भर बैठ के वहाँ पे मंजीरा बजाते थे, आए बताओ। और यार आपने छम्मो को तो ये भी बोले हो कि छम्मो जिस दिन पिंटिया दुकान नहीं जाता ना उसकी पेमेंट भी देता हूँ, किधर है वो हिस्ट्री वो दिखाओ जरा, उसकी पेमेंट देते थे मेरे को, दिखाओ कितना दिए आपने। यार मैं तो अब क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ भाई साहब। और भैया धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बड़े भैया लोगों का, विशाल भैया और विकास भैया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, तहे दिल से सपोर्ट किया, मतलब यार नहीं भूल पाऊँगा। और आप तो ये भी बोलते थे अरे बोल देना विशाल भैया को आज नहीं आ रहा हूँ ऐसा वैसा, आए बताओ ना, बोलो ना, बोलो वो क्यों नहीं बोल रहे हो। चलो आगे दिखाता हूँ। शूट करना, एडिट करना, उसकी स्क्रिप्ट को लिखना, उसके बाद सारा सेटअप करना, यहाँ पर होती मेहनत, वीडियो तो 15 मिनट बन जाता है। अच्छा देव भैया 90% मेहनत, मतलब आपके हिसाब से आप जितना काम करते हो उसको 90% मेहनत बोलते हैं, तो उतना काम तो लगभग मैं भी करता हूँ, तो मतलब मेरी भी 90% मेहनत है, तो ये क्या बाकी लोग काहे के लिए आते हैं क्या यार देव भैया, कुछ तो सोच समझ के बोलो। बस मैं और आप अपने अंदर से जो मैं वाला शब्द है ना, बस ये मैं वाले शब्द को अलग कर दो, अपने आप ठीक हो जाओगे। गोविंद भाई छोरे बरघाटिया के 14 दिन शूट सिर्फ 14 दिन छोरे बरघाटी में, लेकिन देव पवार चैनल पर लगातार 3 महीने। तो चलिए देव भैया आते हैं अपन 14 दिन 3 महीने के ऊपर में, जो आपने बोला कि छोरे बरघाटी में 14 दिन शूट किए और देव पवार में 3 महीने, तो आपको बता दूं माई न्यू कार की शूटिंग थी जिसमें फर्स्ट वीडियो में मेरा 1 मिनट का सीन था। ठीक है मानते हैं आप, आपने फर्स्ट दिन ही मुझे समझाया था और उसके बाद आप टीम में क्या बोलते थे पता है, गोविंद भाऊ यार देव पवार चैनल लाइक का है ही नहीं है, ये चीज बोले थे आपने। और ये आपने वीडियो में बाद में भी बोला है लाइव, अगर आपके पास वीडियो होगी तो देख लेना आप। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया उस वीडियो में मैंने लगभग 3 दिन में 3-3 घंटे आपको दिया है और आपने उसमें भी कुछ नहीं सिखाया मेरे को। उसके बाद तो आप मेरा खत्म कर रहे थे किरदार ही, कि मैं देव पवार में सेट ही नहीं हो पा रहा था, याद है आपको। अब आते हैं 14 दिन, तो अब आप मेरे को बताइए 14 दिन में मैंने पहले भी बोला हूं कि कोई नहीं सीख सकता और आपने तो सिखाया ही नहीं, आप सिर्फ सिखाते थे एक्शन कट यही बोले ना आपने। हाँ तो ये मैं मानता हूं कि हमको इसके पहले कैमरे के सामने काम करते नहीं आता था, पर टिकटॉक कौन बनाता था, स्टोरी कौन मेंशन करता था, फेसबुक में कौन डालता था,
हाँ देखे हो, आज भी मेरे पास टिकटॉक की वीडियोस रखी हुई हैं, आपने मेरी कुछ देखे होगे इसलिए आपने हाँ बोले। मानता हूँ मैं आपके पास आया था मिलने कि भैया साथ में काम करेंगे, मेरे को भी काम करना है, पर उस समय क्या था देव भैया, एक शौक था, जुनून था कि हम भी वीडियो में दिखे, नया नया यहाँ यूट्यूब था, आपने ये उस समय ये पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है और लोग इसका प्रलोभन देते हैं जब इनका काम अच्छा चलने लगता और है। प्रलोभन तो आपने अच्छा खासा दिया था, 6 महीने में सबकी अपनी बता रहा हूँ ना मैं बंटी होगी, बता रहा हूँ देव भैया को शायद याद है या नहीं है, पर मेरे को तो पूरा याद है क्योंकि मैं तो जख्म खाया हुआ हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने बोला एक वीडियो छोरे बरघाटी की वायरल हुई, 1.5 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज हुआ, पेमेंट बनी, तो आपने क्या कहा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बोले थे आपने, बोले थे क्या नहीं बोले थे, बोले थे हाँ। फिर आपने क्या बोला, कार वाली बात कर रहे थे ना, ऑडी चलाऊंगा ये, भाई सीधी सी बात है आपने सपने इतने ऊंचे ऊंचे दिखा दिए कि नहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने बोला था हम लोग तो सिर्फ टाइम पास और थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, लोग हमको देख ले इसलिए हम चैनल पे आए थे, पर आपका जब चैनल ग्रो हुआ आपको प्रलोभन आ गया, आपने हमको वही प्रलोभन दिए कि सबको सबकी 6-6 महीने में सबकी अपनी अपनी एक कार होगी, और गोविंद भाऊ ऐसी कार नहीं होगी, बड़ी है ना, महंगी, 17 लाख 20 लाख, चलो इसको भी जान दो। आपने तो बोला था कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक सबके लिए फाइनेंस करा देते और चैनल में जो पैसा आएगा उस पैसा वो पटते रहेगा, बोले थे याद है कि भूल गए? आपको हमारी बात तो बखूबी याद रहती है पर आप अपनी बातों से बड़े जल्दी मुकरते, नहीं 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 मैंने ऐसा कहाँ बोला था, इन्होंने बातें बनाने में PhD किया है, पता नहीं आपको? नहीं मेरे को क्या पता भैया, PhD किया भाई साहब और सैल्यूट है यार आपको, क्या बातें बनाते हो, क्या बातें घुमाते हो, यहाँ पे आपने तो हमारी बातों का तो जवाब ही नहीं दिया, हमारी बातों में हम लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हो आप, सैल्यूट है हाँ। साहब और एक बात, आप बोलते हैं बाप बेटे बाप बेटे, तो भैया वो किरदार है और आप कोई मेरे बाप नहीं हो, समझ गए, बोलने के भी तरीके होते हैं, और एक बार मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बेटा बन के रोल कीजिए, मैं बाप बन के देखता हूँ मैं बाप का किरदार सही कर पाता हूँ क्या नहीं, और आप बेटे का, अगर आप मुंबई से सीख के आए हैं, मैं तो गांव का बकरी चराने वाला, आपने बोला है ना एक वीडियो में कि गोविंद अगर मेरे पास नहीं आता मैं उसको आज ये नहीं करता तो आज गांव में वो बकरी चराते रहता। आपको एक चीज बता दूं, मेरे पुरखों से मेरे यहाँ बकरी नहीं थी, आप बकरी चराने की बात करते हो। भैया जी आपने बोले चाय दुकान वाला मैटर कि यार सुबह शाम खोलता हूँ मैं, वो दिन भर खुली रहती है, और आपने ये भी बोले कि थोड़ा आगे जाइए तो कपड़ा दुकान पास पास में है, तो हम लोग वही तो बताना चाह रहे हैं भैया जी, आपने जो बोले थे कि एक मोहल्ले में एक किराना दुकान है और दूसरे के दिमाग में अगर शैतान जागा और उसने खोला तो आपका चलना बंद हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप उस दुकान में सामान अच्छा रखोगे तो ग्राहक आपके पास भी आएगा, और नियत साफ रख के बेचना पड़ता है। हाँ तो वही तो हम समझाना चाह रहे हैं, आपका किराना दुकान वाला फॉर्मूला है ये, तो भाई खोलो ना यार दुकान, हमको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो ना यार भैया, क्यों झंझट में पड़ रहे हो ये बताओ। और साहब और रही बात काम की, तो इससे पहले भी और भी तो काम खोले हो ना आपने। हाँ ना यार भैया, हाँ सबरे काम आप ही कर लोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे यार, तुम्हें चाय बेच लोगे, तुम्हें दूध डेयरी चला लोगे, तुम्हें पोल्ट्री फार्म चला लोगे, और क्या क्या, अरे और वो टेंट वेंट घोड़ा डीजे डिस्को लाइट और वो ट्रक ईट भट्टा, अरे यार भैया बहुत सारा है वो सब जान दो वो सब। और भैया बुरा मत मानना, हमारे बोलने का अंदाज ही ऐसा है ना यार, क्या करें क्या करें, हमारा अंदाज ही ऐसा है यार। कुछ लोग बोलते हैं कि यार एकदम गर्म होकर बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा अंदाजी है भैया जी, भैया हमारा कैसी बात कर रहे हैं। आप बोलते हो कि यार चैनल मेरा चैनल मेरा चैनल मेरा चैनल, तो यार भैया हमारा चैनल हमारी मर्जी, क्यों नाम चेंज कर रहे हैं हम, आए आपने ये भी बोले अच्छा खासा नाम था गोविंद बरघाटी चैनल का, चेंज क्यों कर दिए? पहले आपने क्या बोले कि इन लोगों ने गोविंद बरघाटी नाम चेंज करके TGB रखा, क्यों रखे भैया तुमने, ऐसा बोले ना आपने, फिर आप बाद में ये बोल रहे हो कि नाम चेंज कर दो, बरघाटी छोरे ओरिजिनल चेंज कर दो, तो भैया क्यों चेंज करें, हमारा चैनल हमारी मर्जी, क्यों चेंज करें भैया बताओ। अरे बार बार यही करते रहेंगे यार, बार बार यही करते रहेंगे, कहने में तो कर दिए दीपावली में बोनस गोविंद भैया, उनकी कहने में तो नाम चेंज कर दिए, आपके बोलने तो पहले ही चेंज कर दी भैया लोगों ने, उसमें भी तकलीफ, उसमें भी तुम हमारे बीच में मतभेद बना रहे हो।
अब काम चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ भैया, हम लोग आपस में लड़े मरे कटे नहीं साला चैनल बंद। तुम कब से हमारे इतने हितैषी हो गए भाई? मैंने पहले भी बोला, पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ये चीज अगर आप हमारे रहते में सोच लेते और आपने बात सब सब एक होते राजा और प्रजा वाली, तो भैया राजा का फर्ज ये होता है कि प्रजा को लेके चले, ना कि प्रजा का माल पूरा अंदर करे। अच्छा, और एक वो बाबा भाई जी, आप भी तो बाहर गए थे ना? हाँ, मैं भी मुंबई में काम करता हूँ। कितने मिनट का सीन था? अरे सुनो तो, मुंबई मुंबई करते हुए तो तुमसे बड़ा सीन करके आए हैं। मैंने तो कृष्ण भगवान का सीन किया था, श्याम भगवान का सीन किया था। जहो प्रभु की। इंस्टाग्राम में बाबा मिर्जा की आईडी में मेरी फोटो डली हुई है, देख सकते हैं आप लोग सभी। अब चलो ये सब छोड़ दो यार भाई, यहाँ कि जो इनकी बुआ का बेटा था अंकिया, वो भी छोड़ के चला गया देव पवार को। बोले इनकी हरकतें वैसी हैं, तब तो छोड़ चले गए, इनके अपने नहीं जा रहे हैं इनके पास में। अब अंकिया का वीडियो बन कर अंकिया भेज तो रहे, मामला फंस गया मेरा। अंकिया ने वहां से वीडियो बना के भेजा है, इसको सुनो। दोस्तों, छोरे बरगाठी टीम से अलग होने का मेरा मेन कारण यह था कि मेरे जो पर्सनल काम है वो होने किसी न किसी कारणवश से नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से मैंने छोरे बरगाठी टीम को छोड़ा था। और ऐसा नहीं है कि किसी से गिला सिकवा हो, किसी से मेरा गिला सिकवा नहीं है, बढ़िया मतलब भाईचारा है, और देव भाई से तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं। तो दोस्तों, ऐसा ये गलत फहमी पे मत रहिए, ठीक है ना? सुन लिया आप लोगों ने यार भैया? हाँ, तो आपने अंकिया को फोन लगाए थे कि अंकिया क्लिप भेज करके, ठीक भैया? सबसे पहले तो अंकिया को माफी चाहूंगा अंकिया, तेरे लिए यार, देख हमारी भी मजबूरी है और तेरी भी मजबूरी है, तूने रिश्ते खराब ना हो करके क्लिप भेजा। और यार यहाँ पे तो सारे लोगों का सवाल है, तो मजबूरी ये बन रही है कि तेरी ऑडियो क्लिप हमको लगाना पड़ रहा है। और देव भैया, आप फोन उठाओ और लगाओ फोन अंकिया को कि यार एक और क्लिप भेज कि वो आवाज मेरी नहीं है। 20% तुम्हारी एडिटिंग का, तुम्हारा दिमाग का तुम रखो। आओ देखिए, 80% बटेगा बॉस। हाँ, क्या बात है। टीम जैसी की वैसी पूरी खड़ी मैं करता हूँ, बोलूंगा जितनी लड़की चाहिए मैं ला रहा हूँ, कहूंगा। लेकिन भैया कहूंगा, अगर ऐसा होता है तो मैं कल से शूटिंग पे आ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ठीक है, वो लड़के भी आ रहे हैं, बोल दूंगा। ठीक है, वो फिर अपना ब्लॉक कर लेंगे फिर वाले, अभी चैनल बना। लेकिन ऐसा है कि अभी उसको कुछ मत करना। आओ। ये बात अगर फोन आता है, मैं नहीं लगाऊंगा पिंटिया, सुन रहे क्या? मैं तो फोन नहीं लगाऊंगा बॉस, ये अपने जमीर वाली बात है बॉस, अपने जमीर छोड़ के आ गए वहाँ पे, यार समझ सकते हो? सही बात है, ये अपना आत्मसम्मान को देखते हुए अपन छोड़ के आ गए, आत्मसम्मान वाली बात आज भी है। झुकेगा नहीं साला वाला का है ना अपना, उसका खुद का है ना, और भाई तो हमारा नहीं है क्या? वो बात आज ज्यादा नहीं, दो दिन के लिए हेल्प कर देगा, बाकी टाइम पे अपना जो भी कर रहा है कर लेगा। और लोभ के लिए क्या बोले पता है मेरे को? उसका चैनल उठा दूंगा बोले, ब्लॉग का बोले, अच्छे ब्लॉग बन रहे हैं बोले। अच्छा, अंकिया की क्लिप है ये? अंकिया मुकरना मत दोस्त इस बात से, समझ रहे ना? बाकी अपने संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। मेरे को मालूम है अंकिया तेरे अंदर क्या है, तू मजबूरी में झेल रहा है, मेरे को मालूम है। और हाँ, मुस्कान जी का कॉल आया था पिकिया के पास कि पिंटिया तूने गलत बोला, मुस्कान जी आप भी क्लिप सेंड कर दो, मैंने क्या गलत बोला हूँ, ठीक है ना? और क्या बोलना है वो भी बता, क्या बोलना है वो भी बता दो मेरे को, है ना? मैं वो भी बोल दूंगा। अरे अब क्या ही बोलूं भाई साहब। और भैया, बार बार की झंझट नहीं करना है अपने, और बार बार की झंझट नहीं करना है, आपने तो बोले दिए हो कि आप इस काम में माहिर, बोलते हो ये मेरा चैनल, मेरा हमारे बंटी भाई ने ये बोले हैं यहाँ पर। काय बंटी भैया, हिम्मत है तो वीडियोस डिलीट करके बताओ, काहे कर रहे भैया हैं? बनवारी सेठ जो है वहां पर नहीं था क्या? मेरा चैनल, मैंने सब कुछ किया, सारा मेजरमेंट मेरा, सब कुछ मेरा, काय करेंगे ये मैं और मेरा के चक्कर, ये मैं के चक्कर में आज अकेले हो आप, मैं हाँ मैं ही मैं। सुनिए सुनिए बंटी भाई, ये मैं के चक्कर में आपके पीछे देखो वो परछाई दिख रही है बस। हाँ, और हमारे तरफ, और हमारे तरफ ये है, समझ गए भैया? तो भैया ये सब छोड़ो ना यार, हम अपना काम कर रहे थे, अपना काम करने दो ना यार, आप अपना काम करो, क्यों हमारी टांग खींचते हो? हम नहीं है भैया, इस काम में माहिर नहीं है यार, और हमको बनना भी नहीं है। आपने बोलो कि इस काम में माहिर हूँ, और क्या स्टेटस लगाए थे आपने? डीएनए बाय देव पवार। डीएनए का मतलब मालूम है भैया जी? अरे भाई साहब, क्यों भैया? चलो अच्छा हो गया वो लिखे नहीं तुमने, नहीं तो ऐसा जवाब देता ना आपको।
ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तुम एक चीज, एक चीज, एक चीज, तुमने तो यार बात करने का, जब स्टार्टिंग में हम लोग काम कर रहे थे बंटी में, फिर आप बोल लेना। तो देव भैया उस समय तो आप बोलते थे कि अपना पर्सनल नंबर टीम के भी जो नए मेंबर आते हैं उनको भी नहीं देना है, उनको भी नहीं देना है। फिर मैं भैया आपसे पूछू कि आप अपना नंबर व्हाट्सएप क्यों खेल रहे हो, क्यों पब्लिश कर रहे हो? यूट्यूब की पेमेंट से कितनी पेमेंट आ रही गोविंद भैया अभी अपने को, कितनी होगी? 15,000-20,000 होगी या खूब से खूब 25,000 होगी? कितना पैसा आ रहा है अपने को? है 10 लोग को बट रहा है, चटनी हो जाता होगा पूरा। और बोल रहे हो कि 10,000 आते होगे, 15,000 आते होगे, चटनी बन जाते होगे, चटनी हो जाता होगा पूरा। तो आपको बता दूं, हम चटनी भी मिल बांट के खाते, आपके जैसे रसगुल्ले रसमलाई अकेले नहीं निकल जाते, याद रखना मेरी बात को। बात बहुत बड़ी है, हम लोग चटनी को भी मिल बांट के खाते। 100 रुपए आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल बांट के रखते। 5 रुपए आए, 1-1 रुपए रखते, मिल बांट के खाते। अकेले रसगुल्ला रसमलाई बिरयानी ये सब अकेले डकार नहीं मान लेते, क्योंकि हमारी सोच तुम्हारे जैसे नहीं है देव भैया। समझ गए भैया। तो भैया ये सब छोड़ो ना यार, हम अपना काम कर रहे थे, अपना काम करने दो ना यार, आप अपना काम करो, क्यों हमारी टांग खींचते हो? हम नहीं है भैया, इस काम में माहिर नहीं है यार। मालूम पड़ गया है, एक आध को तो मालूम पड़ चुका है, एक को तो भाई मालूम पड़ चुका है कि यूज हो रहा है, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं सकता। किसी का यूज हो रहा है उसको पता भी चल गया है, पर क्या करे, मजबूर है, काम तो करना पड़ेगा। नाम की बात किया आपने, तो भैया हमारी मर्जी यार, हम साला गोविंद बरघाटी से गोभी बरघाटी रख दे, गुड्डू बरघाटी रख दे, गंगा प्रसाद रख दे, कुछ भी रख दे, हमारी मर्जी, हमारा चैनल। और यूज यार, मेरे अंदर के दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, मैं चूतिया हूँ, यूज होते जाऊंगा। जिस तरह कंडीशन अभी यहाँ पर चल रही है, सब का जो है अंत होना तय है। तो बंद कर दो ना यार यूट्यूब चैनल यार, अपना काम धंधा देखो उधर। आने मेरे पास जब पैसा आता था, भैया पैसा किधर है दिखाओ, कहते कि बनवारी सेठ ही मर गया, कि ये भी एक किरदार था, गुड बाय। तो भैया था का मतलब जानते हो ना, मुंबई में रहे हो आप, आपको तो पता ही होगा था का मतलब होता है गया। अच्छा इनने वो भी तो डाले थे ना, आज से छोरे बरघाटी चैनल बंद। अरे हाँ। अपनी बात में कायम कब है? अरे कब कायम हुए, हमको झूठे बोल रहे हैं, हमको झूठ बोलना बंद करो। इनने नहीं डाले थे, इनका भूत आया होगा आपको साला, ये बहुत गलत करता है, इनका भूत रात में आता है साला, और देव भैया के साथ कुछ भी करके इनको बदनाम करता है। और सुनो तो, इनके भूत ने ये भी कर डाला कि टाइमिंग देखना, 11 के आसपास रिमूव होते हैं सभी लोग, टाइमिंग देखो बहुत खतरनाक टाइमिंग है। तो इनका लकी नंबर है वो, 11। और रिमूव होने के पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मैं चैनल बंद कर रहा हूँ या ग्रुप से निकाल रहा हूँ। और बातें तो बहुत सारी हैं यार। अरे बहुत है भैया, बहुत है, आपको और जवाब चाहिए तो मिलते हैं ना अपना कोई भी ब्लॉग में जाएंगे, सौरभ ब्लॉग्स, बरघाटी छोरे ओरिजिनल ब्लॉग, गोविंद निराज ब्लॉग। अरे आप बोलो, लाइव बैठना यूट्यूब में, लाइव बैठेंगे। बार बार ये ऑडियंस को भी लगता है वो आपस में लड़ रहे हैं, सामने आमने बैठ के कर लेते हैं भैया। इस चैनल में कॉमेडी करने तो मेरे बाप। हाँ तो भाई बहनो, आज के बाद हम लोग इस पे इस टाइप की वीडियोस नहीं डालेंगे। आने वाली है 3 दिन बाद अपनी जबरदस्त कॉमेडी वीडियोस जी के साथ जी। और सीधी सी बात मैं बोलना चाहूंगा एक ही बार कि भैया अगर आप गलत नहीं हो तो पूरी हिस्ट्री खोल दो, छोरे बरघाटी चैनल की कितनी पेमेंट आई है बाकी के 2 चैनल तो छोड़ दिए। अभी आपके ऊपर है कि आगे आप क्या करना चाहते हो, बात बढ़ाना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और नहीं बढ़ाना है तो हमको कोई खुजली नहीं है कि हम जबरदस्ती खुजलाएं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी यही सब बातें थी, और इन्हीं बातों के साथ हम देते हैं अपने शब्दों को विराम, और मिल रहे हैं 3 दिन बाद एक नए कॉमेडी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।